Hey, so what's up guys? What's going on? Welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज हम लाए Max Boy को. कई मतलब मैं एक बार आ चुका था और फिर से Max Boy को दिखाने लाया हूँ. चलो यमुना स्थल, चलो चले अंदर चले. आरती स्थल आ गए, यमुना का आरती स्थल आपको दिखाते हैं. तो Max Boy आया हुआ है यमुना को देखने. मैं आपको याद है इंडिपेंडेंस डे पे देखने आया था यमुना, तो आज हम Max Boy को दिखाने लाए हैं. Max Boy भर के चल रही है, बताओ पहली बार देखी है? भरी तो है पहली बार. हाँ पहली बार भरी हुई है. देखो और पूरी है. देखो भाई वो Max Boy, तुम्हें वो टापू दिख रहा है? वो हाथी है. वो टापू है और वो आपको एतमादुद्दौला देख सकते हैं. हाँ फोन नहीं बॉयज, यहाँ पे आरती होती है, आरती स्थल है. देखिए यहाँ पे बैठे हुए लोग, और जब मतलब कोई फेस्टिवल होता होगा तो आरती करने आते होंगे यमुना की, तो इसी पॉइंट से होती है. और Max Boy भी आज यमुना का लुफ्त उठा रहा है. और सामने आपको देख सकते हैं उधर वो पाइप पे लोग बैठे हुए हैं. मतलब मैं भी पहली बार ही आया हूँ. Max Boy, Max ये डॉगी भी बैठा हुआ है आपका. उस दिन से थोड़ा कम हो गई मुझे लग रहा है लेवल, है ना? अब कम हो गई लेवल. उस दिन मैं आया था आपको दिखाई थी ज़्यादा थी, उस दिन आया था ज़्यादा थी लेवल. हाँ क्या है नाला है ये नाला तो गंदा कूड़ा वूड़ा पड़ा है. मकड़ी है देखो बीच में, इतनी बड़ी मकड़ी टहल रही है यार. क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोगों की गलती के चक्कर में हमने मतलब ये नदियाँ मकड़ी टहल रही है. देखो नदियाँ इतनी साफ होती अगर हम मतलब हमारी ही गलती है ये जो आज को ये नदी इतनी गंदी हो गई. पता नहीं क्यों मुंबई से साफ है पानी. हाँ क्या मुंबई से साफ है? मुंबई से बीच की मिट्टी नहीं है. हाँ तो अब चलते हैं जल्दी से, कहीं और देखते हैं, कहीं और चले. तो बॉयज ये है पूरा पार्क, यही आरती स्थल है यहाँ का. मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है. आ रहा हूँ मैं. बॉयज देखिए कितनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल पेंटिंग दिख रही है, और इस एरिया में आपको पेंटिंग ही बहुत अच्छी दिखती है. और Max Boy चलो कहाँ जाना है अब कहाँ जाओगे? मैकडोनल्ड. तो यमुना देख ली तुमने? यमुना देख ली, सही है. चलो बॉयज देखिए कितना जाम लग गया यार जाने के लिए. हम जा रहे हैं फंस गए, पता नहीं एक ही एक कट खुला हुआ है उसी में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे अब. अभी हम आ गए शॉपिंग करने, तो शॉपिंग करने आए हैं मतलब Max Boy की नानी के कपड़े लेने आए हैं. हाँ लखनऊ जाओगे तुम? तो उनकी शॉपिंग करने आए आज यहाँ पे आए हैं. देखो भाई डॉगी का खड़ा हुआ है रात ऊपर छत पे. बॉयज अभी हम जामा मस्जिद के पीछे आए हुए हैं और अभी हम यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं. कुछ सूट लेडीज़ के कपड़े देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस एरिया में आपको लेडीज वेयर मिलता है. पैंट शर्ट भी मिलता है? पैंट शर्ट कुर्ता बनाएगा कपड़ा, कुर्ते बनाने का कपड़ा. तो अभी हम अभी एक अंकल वहाँ पुलिस वाले अंकल चालान कर रहे हैं ऑटो के पीछे. दिखाता हूँ आपको मैं ऑटो हटे तो भीड़ लग गई. देखो कितना सब वो एक अंकल है चालान कर रहे हैं पुलिस के. अपना स्पाई कैमरा खोलता हूँ, देखो उठा के लेके जा रहे हैं. तो वही चालान हो गया अच्छा वाला. चालान भी हो गया, गाड़ी भी ले गए, चालान भी हो गया अच्छा वाला. ऑटो में भर भर के लेके जा रहे हैं. ऑटो वाले सामान लेने आया था और गाड़ियाँ ले गया उठा के. इस टाइम आगरा में बहुत बुरी चेकिंग चल रही है, मतलब आप ही आप कहीं निकलो ना रास्ते भर चेकिंग मिलेगी आपको. इंडिया में देखो यही होता है, जरा सा कुछ हो गया भीड़ लग जाती है सब जगह. और इंडिया में ही होता है, जब भी जेसीबी खुदाई चल रही है उसमें भी भीड़ लग गई. लोग अपना काम छोड़ छाड़ के एक ही चीज़ पे फोकस करने लग जाते हैं. वाले अंकल आ गए भी ले जा रहे हैं, लेके गए सब, ले गए जो खड़ी हुई थी इलीगल इलीगल खड़ी हुई थी. गाड़ियाँ गई ले गए सब, गाड़ियाँ उठा के सारी गाड़ियाँ उठा के ले गए, पता नहीं किस किस की. अभी और भी लेके जा रहे हैं उधर. एक और ऑटो आ गया Max Boy. बॉयज ऊपर देखो, वो देखो बंदर मार रहे सब जगह, कुत्ता बैठा है और बंदर स्टंट मार रहा है अपना, उसके ऊपर ना गिर जाए आके. और फिर से गाड़ी फिर लग गई, एरिया खाली कर दिया. यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उठा के उसमें भर दी ऑटो में. बॉयज सब ले गए गाड़ी उठा उठा के. और अभी भी इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करवाओ, और जो भी खड़ी होगी सब लोड होके टेम्पू में जाएगी. ये देखो गाइस स्टंटमैन.
अच्छे लगते हैं बंदरों के देखना। इसको बंदर, इसका जानवर सबसे, बंदर ही देखने मनपसंद जानवर, इसका मनपसंद जानवर बंदर ही है, तो बहुत अच्छा लगता है बंदर। इसे पुलिस का डिसीजन भी अच्छा है, वरना गाड़ियाँ खड़ी रहती थी तो जाम बहुत लगता था। अब तो एरिया बिल्कुल खाली लग रहा है ना, जाम लगता है। हमने शॉपिंग कर ली जो आपको बताया था, मज़े मतलब चालान देखते देखते और शॉपिंग पूरी हो गई हमारी। अब हम आपको आगरा की जामा मस्जिद और दिखाते हैं। हमने दिल्ली की तो दिखा दी और फतेहपुर सीकरी की दिखा दी, अब हम अपने शहर आगरा की दिखाते हैं। तो बॉयज अब हम आ गए जामा मस्जिद आगरा की, आपको पीछे दिख सकता है, ये देखो गाइस। और मौसम भी देखो कितना ब्यूटीफुल हो रहा है, बादल छाए हुए हैं और अब शाम होने वाली है, लाइट्स जल चुकी है। और उस साइड आपको ट्रेन का नज़ारा दिख रहा होगा, वो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन है पीछे, और ये पूरी जामा मस्जिद एरिया है। बीच में हौज बनी हुई है वज़ू के लिए, और अभी देखता हूँ अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने का टाइम भी हो रहा है, तो अब आ ही गए तो अच्छा है, नमाज ही पढ़ लेंगे। साइड आपको किला दिख सकता है, वो किला, किले की बाउंड्री है, और ये तो जामा मस्जिद है ही। और मैक्स भाई नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया, वो क्या हो रहा है, क्या अभी रेलवे स्टेशन है ना पीछे, कोई का वो ट्रेन आई है, कोई ट्रेन वेन आई भी है शायद। हाँ उधर भीड़ हो रही है रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ट्रेन का सफ़र अब जल्दी आने वाला है, हमारी न्यू ट्रिप आएगी। राजधानी, राजधानी नहीं कोई और खड़ी हुई, राजधानी लग रही है, राजधानी है शायद। चीटियाँ कितनी सारी है, चीटियाँ इतनी सारी, मैं उस पर चढ़ गया, मैं बल्ली बल्ली। तो बॉयज अब वज़ू बनाने का टाइम आ गया है, वज़ू बनाते हैं। हौज आ गई वज़ू की, वज़ू बना लो मैक्स बॉय, चलो नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है। और ये हौज पूरी उधर वज़ू के लिए, हाँ उधर चलो, उधर चलते हैं जल्दी से, टाइम हो रहा है नमाज का, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ेंगे। और लाइट जल चुकी है, इतना अच्छा लग रहा है। इस साइड बैठ जाओ, आ जाओ इस साइड, आ जाओ। बॉयज़ मैंने तो वज़ू कर ली, अब मैक्स बॉय को करवा रहे हैं। हाँ जल्दी करो मैक्स बॉय, वज़ू कर लो और फिर आ जाना नमाज़ पढ़ने, ठीक है जल्दी आना चलो। और सब बैठ गए उधर। और गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, आपको देख ही सकते हैं, जल्दी चलो 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 चलो। टोपी नहीं है, टोपी नहीं ला, अंदर होगी, अंदर मिल जाएगी, मैसेज आते हैं, आओ चलो। अब बॉयज चुप बैठना है हमें, बिल्कुल मस्जिद के अंदर आ गए चुप बिल्कुल। सही है, चलो बैठो, उधर बैठे चलो उधर। तो बॉयज नमाज पढ़ ली और नमाज, टोपी और टोपी रखा मैक्स बॉय, टोपी भारी ले आया। तो नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और मैंने ऑब्ज़र्व करा मतलब हमारे बड़े बुज़ुर्ग इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवा के गए थे, और पर बड़े दुख की बात है कि सिर्फ 3 रो ही भरी हुई आगे की, बस 3 रो भी भरी मुश्किल से, वो भी मतलब भरी पूरी नहीं थी, 3 रो भी भरी नहीं थी ज़्यादातर पूरी, बस बहुत कम लोग आते हैं पता नहीं क्यों, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। तो बॉय हमें दीनी मतलब दीनी तालीम से भी हमें सही होना है, और दुनियादारी में भी सही होना है, और हमें मस्जिद में भी आना चाहिए नमाज़ पढ़ने वक्त निकाल कर, जिससे कि ज़्यादा हमें मतलब बिज़ी नहीं होना, आज इधर आए तो इधर आ गए आज, हाँ मतलब आप जहाँ भी आपको मस्जिद दिखे तो आप कोशिश करें कि नमाज़ अदा कर सके आप। बॉयज चलो अब मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ, शूज़ पहन लूँ जब तक, शूज़ लाओ उसमें रखे रैक में, रखे रैक में रखे रहे, अरे ये रहे, चलो शूज़ पहन लो जल्दी से। तो बॉयज़ नमाज़ पढ़ के बाहर आ गए, और क्या लाओ सामान दो,
चाहो। तो मैक्स बॉय की नानी के लिए जूते लेने भी जा रहे हैं अब हम। बॉयज हमने जो अपनी कार पार्क कर रखी है इस पार्किंग के अंदर कर रखी है। बॉयज बहुत प्यास लग रही है अभी, थोड़ा पानी वानी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते आओ यहाँ से। भाई नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पिए क्या, थोड़ी बहुत गर्मी हो गई ना भाई, जल्दी पी जल्दी। मैक्स बॉय देखो कितने आराम से पी रहा है, कैसी है चिल्ड है, चिल्ड है हाँ बहुत। तो बॉयज फिर आ गए, अब आप देख सकते हैं ये भी जाम मस्जिद का एरिया है, इसी के बगल में मार्केट बनी हुई है। आपकी नानी के लिए जूते, मतलब हमारी नानी के लिए जूते लेने आए फिर से। ओ ओ ओ गिर जाएगा, गिर जाएगा, हटो। स्पाइडरमैन है भाई, स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन है। चलो बिना तार के। तो अब मैक्स बॉय पी रहा है, जूस पियोगे, जल्दी पी लो जूस पी लो। हाँ तुम्हारे लिए बनवा दिया मौसम्बी का जूस, ताज़ा ताज़ा ले लो जल्दी, ठीक है। ये दिखाते तो कैसा है, कोल्ड ड्रिंक के बाद डायरेक्ट जूस पी लिया। तो जूस के तो जूस के बारे में क्या कहना चाहते हो? एक बुआ जूस। अब इसने इतना मतलब दो गिलास पी लिए और अब तीसरा गिलास पी रहा है ये, इसने तीन गिलास पी लिए जब से कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ही। तो बॉयज अभी हम जा रहे हैं कुछ दिनों में, अब हम जा रहे हैं लखनऊ। तो हम अपनी नानी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तीन गिलास पी के अजीब सा लग रहा है। तो अब हम अपनी नानी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अभी रुक जाना, बोलने दिया कर, कैमरा है। तो अभी हम अपनी नानी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको गिफ्ट देंगे। और वहाँ अभी क्या जूस गिरा रहा है बॉयज, अब हम जूते की दुकान पे ये शर्मा रहा है, जूस पीते शर्मा रहा है थोड़ा। तो अभी अभी हम आए नानी के लिए सैंडल लेने। तो मैक्स भाई क्या दोगे अपनी नानी को गिफ्ट में, सैंडल, तीन गिलास जूस भी। भूत खड़ा हुआ है खिड़की से झांक रहा है मैक्स भाई, देखा भूत खड़ा हुआ है, हाँ हिल भी नहीं रहा भाई, तो हमें देख रहा है, हमें देख रहा है भूत। गाइस बंदर भी बहुत है इधर, और बंदर मुझे डर लग रहा है मेरा आईफोन ना छीन ले जाए बंदर। बॉयज कौन सा लिया नानी के लिए, ये लिया है, ये लिया नानी के लिए, ये सब लिया ना। हाँ तो बॉयज ये सब नानी के लिए निकलवा ली हमने, चार क्वालिटी दिखाओ, क्वालिटी क्वालिटी। ये तो उसके लिए छोटे बच्चे के लिए, उनका वहाँ पे एक जो छोटा बच्चा रहता है। बॉयज हम बीच मेन मार्केट में आ गए और अभी भी शॉपिंग चली रही है। बॉयज शॉपिंग हो गई पूरी और अब हम आपको कहीं और चल के दिखाते हैं। हमारा प्लान अभी मैकडी का है, वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाएंगे, दिखाते हैं। हाँ बर्गर खाएगा मैकडी में, आइसक्रीम देखेंगे, देखते कौन सी नए नए आए। तो बॉयज पार्किंग में आ गए और अब अपनी कार लेते जल्दी से। क्या तो शॉपिंग के बारे में क्या क्या कहना चाहते हो? आज आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, पुलिस को देखा कैसे गाड़ी उठा लेती है, और आपने नमाज भी पढ़ ली, और पीछे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, बगल में स्टेशन है बिल्कुल। तो लखनऊ के बाद हमारी आएगी बड़ी ट्रिप, तो उसमें आपको सब चीज़ें दिखेगी, ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी सब। हाँ तो इसने हिंट दे दिया, चलो थोड़ा चलो 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 मैं चलाऊँ, हाँ तू चला। गाइस देखो कितनी भीड़ लगी है, कार से आना पड़ता है, डर लगता है, इसलिए पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी। देखो ऐसे चिपक चिपक के लोग चल रहे हैं, संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। तो बॉयज अब हम जा रहे हैं बाइक का बैग लेने, बाइक का बैग खराब हो गया था, बाइक में जो साइड का बैग लगता है तो फट गया था बिल्कुल। तो यहाँ पे एक मार्केट है, तो उससे उधर से ही लेने जा रहे हैं एक बैग नया बाइक के लिए। बताओ बताओ चिपीडोला, बताओ चिपीडोला में मिलता है, चिपीडोला मार्केट है यहाँ पे बैग्स की, सिर्फ बाइक की एसेसरीज मिलती है इधर इस एरिया में स्पेशल, कवर से लेके सीट कवर, बैग वैग सब अभी दिखाएंगे आपको। चलो तो बॉयज यहाँ से बताया था ना बैग, बाइक का बैग यहाँ से ले गए, मजबूत है, दिख तो मजबूत रहा है। तो बॉयज ले लिया, स्टैंड खड़ा है पाक और जान से था। तो ये कलर लिया है, ज़ेब्रा कलर लिया है। मैक्स बॉय ले लिया, चलो लो 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 पकड़ो, बताओ। तो बॉयज देखा जैसे कि आपने बाइक का कवर ले लिया, मैंने मेरी बाइक में गाड़ी का वो बैग का बिल्कुल फट गया था,
बरसात में हालत खराब हो गई थी। जाम देखो कितना बुरा लगा हुआ है, जबकि अब चलो अब मैं कंसंट्रेट होकर गाड़ी चला लेता हूँ। इतना छोटा सा पेट्रोल पंप है गाइस, पता नहीं दो मशीनें लगी हुई है। गाइस मेरी हालत खराब हो गई, प्यास बहुत लग रही है, पानी पीना है, मैकडी में जाके पानी पीऊंगा। बिल्कुल बोल बोल के गला सूख गया मेरा। दो मशीन लगा रखी है, गाड़ियाँ इतनी भर भर के ला रखी इन्होंने, और ऐसा एरिया है बल्कि और फतेहाबाद ऐसा एरिया है, यहाँ पे तो अच्छा खासा पेट्रोल पंप होना चाहिए। गाड़ी देखो इसने कैसे टेढ़ी लगा रखी है भैया। अरे पेट्रोल डाल दो, अरे पेट्रोल डाल दो भाई। तो बॉयज फाइनली इतनी देर बाद आया है नंबर, कम से कम 15 मिनट लग गए खड़े हुए। डलवा तो भाई जल्दी, डीजल डलवा के देखे, डीजल नहीं पेट्रोल डलवा, डीजल डलवा के देखते हैं, डीजल खराब हो जाएगा गाड़ी। वो है ही है, बॉयज आओ। कैसा था वॉशरूम, कैसा वॉशरूम था? 5 स्टार। 5 स्टार। चलो आओ चले बॉयज, मैकडी आए जैसे आपको प्लान बताया था। चलो जल्दी से क्या खाओगे? ऐसे खुलती है धीरे धीरे। फर्स्ट दबा दे, कोई भी दबा दे, ऐसे आई जाएंगे। हाँ यही होता है, चलो बहुत धीरे धीरे गेट खुल रहा है, देखो कितना धीरे धीरे खराब हो गई। खुल रहा है, बंद निकलोगे ना उसमें बंद हो जाएगा। पांडा ट्रेन तुम्हारी, पांडा ट्रेन जा रही है, घूमोगे फिर से ट्रिप पे? चलो पहले कुछ खा लेते फिर घूमेंगे। क्या लेगा क्या लेगा? तो बॉयज हमने ऑफर लिया है और अभी ले रहे हैं, यहाँ से ऑफर मिला है कुछ यहाँ से हमें, और देखते हैं। आइसक्रीम खाओगे ना? बॉयज ऑर्डर दे दिया, अभी आने वाला है, और ले लो चलेंगे, अभी दिखाते हैं। तो बॉयज अब मैक्स बॉय ने बर्गर ऑर्डर करा है फिर से, और मैंने कोक और ली है अपने। ये मेरी कोक है, और ये मैक्स बॉय की एक और आइसक्रीम आई है ब्लैक फॉरेस्ट, और ये चिकन बर्गर। तो वही बर्गर दिखाओ ज़रा अंदर से, चिकन का, इसमें चिकन में तो इतना ऊंचा था। चलो ले लो एक और ली, तुमने कितनी खाओगे आइसक्रीम आज? तो वही मैक्स बॉय ने एक आइसक्रीम और ली। अब कौन सी ली है तुमने, ओरियो वाली? फिर से ये ली पहले? हाँ पहले ही खाई, और फिर मैंने फिर ये खाई, मैंने ली थी पर मैंने खाई नहीं, पर ये इसने ये खत्म हो गई ओरियो वाली। हाँ पहले इसने ये ली थी पर ये किसी और ने खा ली, और फिर जब ये लेने गया ये खत्म हो गई, फिर इसको ओरियो वापस नहीं कोई मिल गई, मतलब इसको ब्लैक फॉरेस्ट मिली नहीं। तो वो इस खा लिया, पेट पूजा हो गई, और अब क्या देख रहे हो? अब इसमें आगे, अब इसमें आओगे? अभी तक तुमने आइसक्रीम तो फिनिश नहीं की अपनी। तो भाई आइसक्रीम इतनी ठंडी है, 3 दिन खा रहा हूँ जब से 3 दिन खा रहा है। और मैं पांडा ट्रेन खड़ी है। आओ मैक्स वाई करोगे? ये देखो, आओ देखो देखो, ये कर लो, ये खत्म हो जाए पहले, आओ देखते करके देखते चलो करने से ऐसे करने। हाँ पकड़ना है आपको, तब दबाना है। अच्छा, और नीचे कैसे जाएगा? आप ऐसे दबा दोगे अपने नीचे? अच्छा नीचे जाएगा। आ गया से आता मित्र, बन रहा है। अरे अरे कर इससे घुमा, हाँ घुमा इसको, रोटेट कर। ओ आई पकड़ लियो, आ जाओ। आ गया। अब घर ले जा सकते हैं भाई इसको। आ गया, एक और बचाए भी तो चांस। तो बॉयज लो तुम्हारा आ गया सही है। तो मैक्स बॉय बहुत खुश हो गया आज, इसको एक गिफ्ट मिल गया। तो कैसा लगा आपको जीत करी गुड्डा? अगली बार मछली लेके जाओगे? अगली बार ये चारों के चारों चांस, मतलब तीसरे चांस में निकला ये हमारा, 3 बार करना पड़ा फिर निकला, और अभी तक ये आइसक्रीम खा रहा है इसकी खुशी में। और ये देख लो बॉयज, ये कितना अच्छा है, कैसा दिख रहा है तुम्हें? बत्तख जैसा है ना ये।
उड़ता है ये। तो होप गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज हमने आपको मार्केट दिखाई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में कभी और मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बेट, मर जाएगा अभी खरीदा है नया। मर जाएगा।